मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रेनू गंबोली फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल. ओके, सो टुडे वी विल कंटिन्यू दिस यूनिट. ओके, यूनिट नंबर 5, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन ऑफ दिस यूनिट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. ओके, एंड इट्स नोटबुक पार्ट ऑफ 2. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज अबाउट डिवीजन. ओके, नंबर वन एग्जाम्पल, 24 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 12. सो लुक हियर, 24 इज हियर डिविडेंड. ओके, एंड 2 इज हियर डिवाइजर, एंड आंसर क्या है यहाँ पे, 12. 12 इज हियर क्वेश्चन. ओके, सो 15 इज हियर अगेन डिवाइडेंड. ओके, नंबर 3 इज योर डिवाइजर डिविडेंड. 15 इज योर डिविडेंड, 3 इज योर डिवाइजर, एंड नंबर 5 ये क्या है, क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन 6 इज अबाउट डिवाइड 15 बाय 3. सो वी नो 3 5 इज 15. ओके, 5 इज योर क्वेश्चन. 56 डिवाइड बाय 7, सो 7 8 इज 56. ओके, इन दिस वे यू कैन इजीली डिवाइड all these numbers. Okay, so 15 is your dividend. Okay, 3 is your divisor, and the 5 is your question. Okay, और जो यहाँ नीचे बचता है उसे हम क्या कहते हैं, remainder. Okay, number 7, solve the following. 48 divided by 4. So first of all we will divide 4. Okay, 4 ones are 4. So 4 के नीचे 4 लिखना है, then 1. We will write here, then subtract 4 minus 4, 0. Then we will write 8 at this place, 8. Yaha niche likhna hai. Then 4, 2 is 8. 8 ke niche 8 likhna hai. Then subtract them. 0 will be remainder and quotient as answer 12. Okay? In this way, beta, you can do easily all these questions. Number 8. Solve the following and write the quotient and the remainder. ओके, क्वेश्चन दैट मींस की आंसर. ओके, आंसर और रिमाइंडर कौन सा होता है, ये जो नीचे बच जाता है नंबर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड 9 बाय यूजिंग टेबल ऑफ 4. सो वी नो दैट कि 9 4 के टेबल में नहीं आता है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक स्मॉलेस्ट नंबर देन 9. Okay, so 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, which is the greatest number than 9. So we will take 8. Okay, 4 twos are 8. So 2 yahan likhna hai, 8 niche likhna hai, then subtract them, 9 minus 8, 1. Then we will write 3 at this place near 1. क्या बना ये, 13. सो अगेन वी नो वेरी वेल कि 13 40 टेबल में नहीं आता है. सो अगेन वी विल टेक स्मॉलेस्ट नंबर देन 13. सो वी विल यूज 12. 4 3s आर 12, देन सबट्रैक्ट देम, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0. सो 23 इज हियर क्वेश्चन, q दैट मींस क्वेश्चन, एंड 1 इज हियर रिमाइंडर, r इज इक मतलब कि रिमाइंडर. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द 9 क्वेश्चन विच इज द वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन. नंबर 1, अ शॉपकीपर सोल्ड 5 बनानास टू ईच कस्टमर. एक शॉपकीपर ने 5 बनानास को बेचा हर एक कस्टमर को. सो हाउ मेनी कस्टमर्स विजिटेड हिज शॉप. तो कितने कस्टमर्स उनकी शॉप पे विजिट करे इफ ही सोल्ड 25 बनानास. अगर शॉपकीपर ने 25 बनानास सोल्ड करे बेचे हैं तो नंबर ऑफ कस्टमर्स हमें फाइंड आउट करना है. So 25 divided by 5, answer will be 5. Okay, 5 5s are 25. 5 customers, answer. Number 2, there are 24 flowers and 6 vases. Okay, number of flowers are here 24, a vase kitne given is 6. So answer, our question is asking about ki how many flowers can be put equally into each vase. 6 वाज में 24 वाजेस, 24 फ्लावर्स में से कितने कितने फ्लावर्स डाले कि हर एक वाज में और कितने टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स आएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो 24 डिवाइड बाय 6, 6 4s आर 24. सो क्या करना है हमें, 6 ऐसे वाज है,
Six flower balls are right. Two, three, four, five, six. ठीक है, अब इनमें कितने कितने फ्लावर्स आएंगे बेटा? फोर फोर फ्लावर्स हमें क्या करना है, हर एक वाज में फोर फोर फ्लावर्स डालेंगे. ठीक है, डिवाइड करने पे आंसर आया ना फोर. तो ईच वाज हैज हाउ मेनी फ्लावर्स? फोर फ्लावर्स. ठीक है, ऐसे फोर फोर फ्लावर्स इन सब में आएंगे. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट. Kunal has 84 strawberries and he puts 9 strawberries on each plate. Kunal ke paas kitni strawberries hai? 81. Aur usne 9 strawberries kaha rakhi har ek plate mein dali. So how many plates will he need? To usse kitni plates ki zarurat hogi? So again 81 divided by 9. So Kunal needs 9 plates. Okay? 9 will be answer. क्वेश्चन फोर. श्यामा ब्रॉट 72 कैंडल्स. श्यामा ने कितनी कैंडल्स खरीदी? 72. एंड शी पुट 8 कैंडल्स इन ईच पैकेट. और उसने 8 कैंडल्स को हर एक पैकेट में डाल दिया. सो हाउ मैनी पैकेट्स डिड शी यूज? उसने कितने पैकेट्स का यूज करा? सो वी विल डिवाइड 72 बाय यूजिंग टेबल ऑफ 8. सो 8 नाइन्स आर 72. सो आंसर विल बी 9. 9 packets she used. Okay, so here we completed revision of unit number 5, which is division. Do revise all these questions and do practice, because max we know it's all about practice. Okay, bye bye, keep learning. Bye bye.